हम लोगों को ऐसा लगता था कि यार इसको बिग बॉस में तो जाना ही चाहिए दे आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट्स टू विन बिग बॉस नील इज द मोस्ट काम एंड द मोस्ट बैलेंस्ड गाय आई हैव एवर है वो वैसी सही लगती है तो मुझे लगता like good, uh, uh, है आई थिंक शी शुड जस्ट ब्रिंग दैट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट बैक नील वाज एब्सोल्युटली लाइक शाहिद कपूर फ्रॉम जब वी मेट उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी अ गुड बिग बॉस का टेस्ट कोई अगर ऐसे पर्सनल कमेंट करता है तो फिर मुझे बिग बॉस हाउस में जाकर रहना नहीं रे भैया इन द रिसेंट एपिसोड्स थोड़े से शांत हो गए थे दोनों नाव मतलब ऐश्वर्या ने मतलब ऐसा उनकी पर्सनैलिटी है कि वो पहले बोलेगी नहीं जब ज़्यादा यू नो आ बीती हो जाती है तब वो अपनी आवाज़ उठाती है विक्की के साथ उनकी फ़ाइट हो गई थी कुछ कुछ यू नो मैरिज की चीज़ों को लेकर उन्होंने कमेंट कर दिया था एंड देन दैट ऑल केम अप सो उनका यू नो झगड़ा हो गया था उस चीज़ को लेकर सो वॉट डू हैव टू से अबाउट दैट लाइक इस तरह से कुछ चीज़ों को बाहर लाना आपसी झगड़ों को बाहर लाना नहीं आई फील देखिए समटाइम्स दैट्स टेल पीपल दैट बिग बॉस आई मीन लॉट ऑफ टाइम्स वैट पीपल आस्क मी कि अरे बिग बॉस वुल यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट आई ऑलवेज दैट नो बिकॉज बिग बॉस इज़ वेरी डिफिकल्टी दिस इज़ वॉट हैपन्स जस्ट टू इंस्टिकेट यू पीपल ट्राई टू यू नो कमेंट ऑन यूर पर्सनल लाइफ एंड यू नो जब वो चीज़ें पर्सनल हो जाती है ना तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद वो लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं कि किस हद तक चलो एक चीज़ है कि बिग बॉस में आ, मतलब हाथापाई या मारपीट अलाउड नहीं है बट बाकी जुबान से मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि आप कुछ नहीं बोल सकते तो इसलिए फिर लोग गंदी गंदी चीज़ें बोलने लगते हैं जो आई फील आपने डिग्निफाइड तरीके से हैंडल करना चाहिए बट जब आप के ऊपर भीतरी होती है ना और जैसे कि आपने बोला कि ऐश्वर्या पहले शांत रहती है देन आफ्टर पॉइंट देन शी गिव्स इट बैक यू नो सो ऑफ कोर्स यार किसी की भी एक लिमिट होगी राइट कोई एक एक लिमिट तक ही सुन सकता है ना कोई अगर जानबूझ के इंस्टिगेट करने के लिए अगर कुछ पर्सनल अटैक कर रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स गुड एंड आई एम श्योर कि उसका रिएक्शन डेफिनेटली uh, जो कमेंट किया गया था उसके लिए आई एम श्योर वो जस्टिफाइड होगा कि अगर वो मैरिज की बात आई है तो आई एम डेफिनेटली अगर उसने अपने मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा बोला है तो आई एम डेफिनेटली विथ हर बिकॉज आई डोंट थिंक एनी शुड पॉइंट कमेंट्स क्योंकि किसकी स्टोरी किसको क्या पता है यार फिर कई बार आजाद सेट वो यू नो गेम होता है तो जस्ट गेट डर्ट्स इट्स गेट्स डर्टी सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड ऑफ टू देम बिकॉज स्टेइंग सेन इन द बिग बॉस हाउस ट्स ऑफ ऑफ टू बोट ऑफ दैम नहीं एक्चुअली मेरी नील और ऐश्वर्या से इस बारे में तो बात हुई नहीं बट आई वॉज इन सरप्राइज ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम लोग uh, साथ में शूट करते थे ना hmm. तब हम लोग कई बार एक, एक दूसरे के साथ ऐसे डिस्कस करते थे आई मीन नॉट विध नील ऐश्वर्या बट जस्ट जनरली ऑन द सेट्स दैट यू नो इनफैक्ट जब ऐश्वर्या ने uh, वो भी किया था खतरों के खिलाड़ी एस बिकॉज शी इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग इंडिविजुअल यू नो ऐश्वर्या बहुत ही एंटरटेनिंग है अगर आप देखो जैसे वो मिमिक्री करती है दूसरों की या कभी भी वो डांस भी करती रहती है यू नो सो दैट वीट्स शीज़ अ शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग मतलब हर कंपनी इज़ वेरी एंटरटेनिंग तो हम लोग को ऐसा लगता था कि यार इसको बिग बॉस में तो जाना ही चाहिए एंड आप देखिए ना आई थिंक आई एम श्योर आई हैवन बिन एबल टू फॉलो बिग बॉस बट आई एम श्योर शी इज़ डूइंग वेरी गुड क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखती रहती हूँ और ऑडियंस भी उनको बहुत प्यार दे रही है एंड आई थिंक नील नील इज अ जेंटलमैन आई थिंक ही दोनों का जो है ना वो एक बैलेंस होता है बेसिकली सो आई थिंक बोथ ऑफ दैम आर यू नो टचवुड बाई गॉड्स रेज दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर बिग बॉस देखिए क्या होता है ना कई बार छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होता है जिसपे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे इसने ऐसे क्यों किया या वो वैसे क्यों करिए बट लोगों को ये समझना चाहिए कि इट्स बेसिकली अ गेम यू नो मे बी आर लॉड ऑफ थिंग्स आर दे आर डूइंग देर आर नॉट रियल यू नो एंड इट्स जस्ट नॉट इट्स जस्ट नॉट फॉर नील ऐश्वर्या बट इट्स फॉर अदर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान कोई गाली दे रहा है या कुछ hmm. कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियली करे बिकॉज एट द एंड ऑफ द ड इट्स अ गेम यू हैव टू भी एंटरटेनिंग एज लॉन्ग इज यूर एंटरटेनिंग यू नो

ही इज़ अ जेंटलमैन बेसिकली नील इज़ जेन्यूनली अ जेंटलमैन मतलब लड़कियों के साथ यू नो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू गाइज़ हुम गर्ल्स गिव एग्जाम्पल्स लाइक यू नो वैन वी शूट विद एम वी फील एब्सल्यूटली सेफ एंड ही इज़ जेनुअनली अ जेंटल मैन यू नो आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग का आउटडोर शूट था कोविड सेकेंड mm. जब कोविड आया था और हम लोग लो गोवा और हैदराबाद यहाँ शूट करे थे तब इतना स्वीट ना नील अपने साथ साथ जब हम लोग के एयरपोर्ट पर जब हम आए थे तो काफ़ी सारे लोगों के पास लगेज ज़्यादा होते थे तो नील अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी लगेज निकाल रहा था oh. शटल से या उनके साथ जा रहा था वो इतना स्वीट यू you नो know, उसकी कुछ कुछ जो चीज़ें येस एब्सोल्यूटली सो आई डोंट नो अगर ऐसा कुछ नील ने किया है तो बगन बट अगेन एज आई इट स्टेइंग सेन इन द बिग बॉस हाउस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सो आई जस्ट होप दैट यू नो एज़ लॉन्ग इज बोथ ऑफ दैम कम बैक सेफ एंड साउंड एंड स्ट्रॉग Uh, you know i just hope that their relationship becomes stronger that, yes. than it was when they entered the big boss house वी ऑल नो दैट यू आर नॉट बिग बॉस वैन यू नो लेकिन ऑन सेट की अगर बात करेंगे आप लोग कितनी मस्ती करते थे लाइक या यू थ्री या यू नो पूरी कास्ट के साथ में वो कितना एंटरटेनिंग पार्ट होता था सो डू यू मिस दैट ऑल फन या अफकोर्स आई मीन नॉट जस्ट स्पेसिफिकली हम तीन एज सच बट ऑल ऑफ अस्ट ये ऑल ऑफ अस्ट टूगैदर वी यू शू है लॉर्ड ऑफ फन मतलब जेनवनली आई मीन एज आ सेट मैंने तो पहले ही जब गुम की बात चली थी मैंने तभी बोला था कि हम ऑन स्क्रीन तो मुझे मजा आती थी बट ऑफ स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी हम लोग इतनी धमाल हाँ रील्स बनाना और अदरवाइज ऑल्सो लंच वंच पे हम लोग कई बार जब साथ में बैठते थे तो मस्ती करना और जोक्स वो होता है ना एक जोक से शुरू हुआ और दूसरे पे निकला और उसमें से कुछ एक दो जैसे कि विहान एंड ऑल उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सो यू नो तो बहुत मज़ा आती थी एक्चुअली बहुत मज़ा आती थी हम लोगों को सेट पे तो डेफिनेटली सो आई डोंट नो अभी ये लोग भी थोड़ा मस्ती वस्ती कर रहे हैं जोक्स वोक्स क्रैक करते हैं कि नहीं ये लोग तो भी वैसे थोड़ा सा सीरियस हो गए नहीं यार वो ऐश्वर्या का आई थिंक मैंने खतरों के खिलाड़ी देखा फॉलो किया था तो उसमें उसका जो कैरेक्टर है जब जब मस्ती वस्ती करती रहती है वो वैसी सही लगती है तो मुझे लगता है आई थिंक शी शुड जस्ट ब्रिंग दैट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट बैक यू नो दैट क्वालिटी ऑफ फर्स्ट बैक वेर शी इज जस्ट ये हैविंग फन एब्सिल्यूटली राइट सो हर एनर्जी इज़ वेरी यू नो मतलब कभी कभी मुझे उसको देख के उसकी एनर्जी को देख के वो जब भी मेट की जो करीना कपूर थी ना कभी कभी मुझे उसकी याद आती थी उसकी मरकते देख के ऐश्वर्या की और नील वॉज एब्सोल्युटली लाइक शाहिद कपूर जब जबवी मेट एकदम टोटली बैलेंस एंड मेलो एंड काम काम मेड फॉर इच अदर एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली राइट सो इन सब इनकी तो बात हो गई नील ऐश्वर्या फिलहाल बिग बॉस में बट हु डू यू थिंक फ्रॉम द कास्ट इज़ द मोस्ट सूटेबल जो जाकर एंटरटेनमेंट भी करेगा अपनी चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठा सकता है एंड देन यू नो फुल ऑन पैकेज है बिग बॉस के लिए ऐसा कौन लगता है आपको कास्ट में से घूम के कास्ट में से सी मुझे तो शुरू से यही लगता था कि ऐश्वर्या वॉज द परफेक्ट कास्ट फॉर बिग बॉस आई ऑलवेज यूज़ टू फील दैट एंड शीज शी इज़ देर and i as i said i wouldn't be surprised if she comes back winning in fact i wish her all the best that she comes back with the big boss uh, trophy so i think she's the perfect cast for big How boss नो अदर दैन तो देखिए अब डिपेंड करता है जैसे कि किशोरी मैम तो ऑलरेडी बिग बॉस मराठी कर चुकी हैं तो आप किशोरी मैम को भी बिकॉज शी इज़ वेरी डिग्निफाइड बट शी ऑल्सो हैव मतलब कई सारी चीज़ें पुट फॉर्थ करती हैं वो भी एंड शी इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस हो आई थिंक बिग बॉस हिंदी में किशोरी मैम भी कर सकती हैं देन देर इज़ विहान विहान इज गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर तो आई एम श्योर विहान भी आई थिंक यू नो ही कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ बिग बॉस ही विल ऑल्सो भी अ वेरी गुड एंटरटेनर मतलब आई थिंक उसके जो जोक्स होते हैं बड़ी स्पॉन्टेनियस होते हैं तो आई थिंक विहान कैन बी अ गुड बिग बॉस कंटेस्टेंट और हमारे कास्ट में से और कौन रहा आई दो नो तन्वी को तन्वी आयशा आयशा तो बहुत काम है यार <laughs> मतलब यार देखो बिकॉज द शो इज सो बिग आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट आयशा टू बी अ पार्ट ऑफ द शो पर मुझे डर लगता है क्योंकि वो इतनी प्यारी है ना mm -hmm. कि अगर वो बिग <laughs> बॉस में जाके बेचारी को <laughs> मतलब और वो उसका वैसे बैक वाला नेचर नहीं है यू नो शी इज़ ऑल्सो शी इज़ वेरी कॉमन शी इज वेरी डिग्निफाइड बेसिकली सो आई फील दैट आई नो सम हाउ आई फील दैट आई डोट नो आई मीन आई सी आई भी वेरी हैप्पी और आई थिंक ऐसा आएगी तब तो मैं एवरी एपिसोड देखूंगी बट आई डोंट नो यार मतलब मुझे डर अगर ऐसा तो मुझे डर भी लग के, hey, भगवान, never को never को never लगा कि प्लीज आई डों अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है बट आई थिंक शी इज़ अ वेरी काम एन शी इज़ अ वेरी बैलेंस्ड गर्ल अगैन यू नो शी इज़ ऑल्सो वेरी बैलेंस गर्ल और जनरली मैंने जितना उसको देखा है या जाना है, या समझा है वो भी ऐसे यू uh, नो you know, लड़ाई करना या चिल्लाना और उन लोगों में से नहीं है सेंस ऑफ यूमर आयशा का भी काफ़ी अच्छा है तो आई एम श्योर उस एरिया uh, में शी विल डेफिनेटली बी लव्ड बाई दी ऑडियंस बट अगर लोग उसके साथ कुछ उल्टा सीधा उसको बोल देंगे तो मुझे तो बहुत दुख होगा अरे भाई क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैंडल कर पाएगी सो यू नो आपका भी नाम कई बार आया है सो वाई इन हाउस नो cannot handle बिकॉज really <laughs> uh, मतलब वही जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि वो विकी ने कुछ uh, हाथापाई कर दी थी <laughs> या किसी ने उनके मैरिज पे बोल दिया था तो कोई अगर ऐसे पर्सनल कमेंट करता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता रहा है सो आई जस्ट जोन आउट बेसिकली मेरा ऐसा या आई मीन अगेन यू नेवर नो कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए या किसी ने मुझे इतना गंदा ये कर दिया कि मैं फाइड बैक कर जाऊँ बट आई जनरली डोंट लाइक बिकॉज इट्स अ वेरी टैक्सिंग और अभी तो मेरा बच्चा भी इतना छोटा है कि आई डोंट टू स्टे अवे फ्रॉम हिम फॉर सो लॉन्ग इट्स गुड बी अ बिग चैलेंज सो दैट्स वाई बिग बॉस हम यहाँ से देख के ही मज़े ले लो भैया या हमारा कोई शो वो आएगा कोई मूवी भी आएगी तो हम प्रमोट करने जाएंगे बिग बॉस हाउस कुछ घंटों के लिए वो कर सकते हैं बट बिग बॉस हाउस में जाके रहना नहीं रे भैया नो नो नॉट एट ऑल